ये देखो यार मछलियाँ, जिसको ये लग रहा था। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को मैं शुरू कर रही हूँ। दिन के 1 बज चुके हैं, तो अभी ना मैंने भात वगैरह बना लिया है। तो सुबह से हम गए थे घास काटने के लिए, तो उसके बाद हम आए और पूरा भीग गए थे, क्योंकि आज भी पहाड़ों में ना लगातार बारिश लगी हुई है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं अपने रूम से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये है हमारा छोटा सा रूम, और छोटे से रूम में हमारा है एक बहुत ही शैतान और बिगड़ा हुआ बच्चा। तो ये देख सकते हो आप लोग, इसने हमारे रूम की ऐसी हालत कर दी है ना, इसकी वजह से हमें सब कुछ चेंज करना पड़ा है यहाँ पे। और ड्रेसिंग टेबल देखिए, बेड के पीछे लगा रखा है, क्योंकि ये बार बार उसका शीशा खोल रहा है, और इसने उसका लॉक वॉक सब खराब कर दिया है। बार बार खोल खोल के उसके आगे के डंडे भी होते हैं, जो वो भी उखाड़ उखोड़ दिए हैं। तो ये बच्चा इतना बिगड़ा है ना, आपको ना दुनिया में इससे बिगड़ा बच्चा नहीं मिलेगा, है ना? हाय कर दो, चलो हेलो कर दे, हेलो। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, गया और इतना शैतान हो गया है, मतलब जिद्दी हो गया है यार मितान बहुत ज़्यादा। जो भी मतलब उसको चाहिए तो चाहिए, और बार बार ये कर रहा है ये कि जैसे कुछ भी होता है ना, बोतल वगैरह कुछ भी होते हैं, जैसे शैम्पू वगैरह का डिब्बे हो गए इसके, तो बार बार उस बोल रहा है कि मैंने उसको ढक्कन खोल के दो, बस को ढक्कन खोल के ही चाहिए इसको, कुछ भी चाहिए। तो ये है हमारा छोटा सा रूम। अब मैं और मिताज भी यहीं रहते हैं, पहले तो हम उधर रहते थे आग वाले किचन में। तो हम कब का आ ही गए हैं हम यहाँ। तो ये देखिए हमारे रूम में ना आपको और कुछ नहीं मिलेगा, पर फोटो फोटो इतनी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि मिस्टर जी को ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोटोज़ के शौक़ हैं। हर साल मतलब हम एक फ़ोटो खींचते ही खींचते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा आज अपना रूम दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी सगाई की फ़ोटो। उधर से ना छाया पड़ रही है, तो फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आ रही। तो ये इन्होंने ना हमारी शादी पे बनवाया था वेलकम वाला, ये वाला जो है यहाँ पे। तो और ये मिताज नहीं हुआ था, उसके पहले लाए थे उसके पापा ये वाली फ़ोटो। तो ये भी हमारी शादी के ऊपर है कुछ फ़ोटोज़। तो ये है दीदी की शादी की फ़ोटो, ये देखो दीदी ना कुछ ऐसी लग रही थी शादी के दिन। तो ये फ़ोटोज़ हमने शादी के एक साल बाद खींची थी 2021 में, बीच में हमारी शादी हुई थी, तो 21 में हमने ये वाली फ़ोटो बनाई थी। तो ये है दादाजी और मिस्टर जी की फ़ोटो, ये है हमारी 2022 की फ़ोटो। ये देखो कैसे थे ना हम तब, अब मैं कैसी हो गई हूँ, वो अब मितान नहीं था। दोस्तों ये है हमारे 2023 की फ़ोटो, तो पहले से ना आप देखो कितना चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा रूम, और अभी ना बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है, और सासू जी लोग ना गौशाले के साइड कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लकड़ें हमने जमा कर रखी थी, तो उनको काट रहे हैं वो। और अभी आएंगे सब लोग खाना खाने, फिर लोग हम लोग ना भात वगैरह खाएंगे। और मिथांस को देखो यार, बहुत ज़्यादा मतलब ये इतना शैतान हो गया है कि क्या ही बोले हम इसको। तो चलिए फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ, पहले मिथांस को खिलाते हैं खाना, तब तक सासू जी लोग भी आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ गौशाले की तरफ, देखो बतखों को भात देने के लिए। तो चलो चलते हैं। मौसम देखो अभी भी लगातार यहाँ पे बारिश लगी हुई है, यहाँ इतनी फिसलन हो रखी है ना, क्या ही बोले। तो ये देखो मौसम के कैसे बैंड बज रखे हैं, चलो फिर चलते हैं, ये देखो भात। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मछलियाँ, कि मैं मछलियों को बुलाऊंगी भात खाने के लिए। काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि ये हौज है, इसमें मछलियाँ हैं या नहीं हैं, या फिर ऐसे ही बना रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अभी देखना आप, ठीक है, कि इसमें मछली है या नहीं है। तो अभी बुलाऊंगी मैं उनको भात खाने के लिए, फिर देखना आप। ले ले ले, अभी देखना सारी मछलियाँ आ जाएंगी यहाँ पर। तो चलो पहले मैं उनको बुलाती हूँ। ले 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 ले। तो गाइस देखो आने लगी है धीरे धीरे, कैमरे से तो उतना साफ नहीं दिख रहा। ले 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 ले, बट आ रही है। तो अभी देखना, ठीक है, जैसे मैं उनको बाहर डालूंगी वैसे मछलियाँ। अभी देखना थोड़ा और डालती हूँ मैं, ले ले
तो देखो कितने फटाफट आ रहे हैं खाना खाने के लिए। उधर साइड को मैंने डाला नहीं, मेरी छाया पड़ रही है तो इसलिए खा नहीं रहे हैं। तो ये देखो ले 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 ले। तो दोस्तों ये देखो कम ही आ रहे हैं अभी, क्योंकि ना मेरी छाया पड़ रही होगी तो बड़े बड़े तो डर जा रहे होंगे, वैसे नहीं आते, पर जब बुलाते ना इनको तो आ जाते हैं भात खाने के लिए। तो अभी मैं थोड़ा कुछ और भी लाई थी, इसमें सड़े टमाटर वगैरह वो डालते हैं। तो देखो वहाँ पे सारी मछलियाँ आ गई हैं भात खाने। चले मोटे मोटे आ चुके हैं। तो देख लो यार मछली है कि नहीं, आप खुद ही देख लो। आप बोल रहे थे, मेरे को कमेंट आया था कि इसमें मछलियाँ हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं। तो दोस्तों ये देखो सारी आ चुकी हैं ऊपर भात खाने के लिए। मेरे को डर भी लग रहा है कहीं मेरा फ़ोन नीचे ना गिर जाए। तो ये देखो यार मछलियाँ, जिसको ये लग रहा था ना कि ये फौज बस खाली बना रखा है कि इसमें मछलियाँ भी हैं, तो ये देख लो सारे आ रखे हैं अभी भात खाने के लिए ऊपर। तो सासू जी ने ना इनको ऐसे गिजा रखा है, मतलब ऐसी आदत डाल रखी है। तो अभी ऐसे ही करते हैं, जैसे ही ले 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 बोलेंगे बकरियों की तरह तो सब आ जाते हैं ऊपर। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ पे पानी से। ये देखो हमारी क्यूट सी मछलियों को। तो चलो मछलियों को तो दे दिया बहुत, और जितना बचा है ना ये बतख उनको दे देती हूँ मैं। मछलियों का कतराक कतराक हो रहा है उधर पे, अभी भी सब लोग उधर ही खा रहे हैं। और जंगल की साइड ना मेरे को बंदरों की आवाज़ भी आ रही है, तो हो सकता है कि जंगल में बंदर आ चुके होंगे। तो अभी मुझे घर जाना है, मितांस अभी सोए नहीं है। तो एक बार यार हमारे घर में तो दोस्तों अभी भी देखिए लगातार जो है बारिश लगी हुई है। तो अभी मैं जा रही हूँ कौसाले की तरफ को। तो देखो पूरा चौक ना गीला हो रखा है, क्योंकि सुबह से, मतलब सुबह से नहीं यार कितने दिन से हमारे पहाड़ों में बारिश ही लगी हुई है। तो चलते हैं अभी, और कोहरा भी लगा हुआ है, ऐसा चौमास भी ना पहली बार लगा हुआ है। पता नहीं, मतलब पहले चौमास तो लगता था पर धूप भी लग रही थी, और इस साल तो ना धूप का नामो निशान कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अभी चलते हैं, मैंने अभी अभी चाय पी है, तो मितांस को सुला के चाय पी रही हूँ। और मछलियाँ पता नहीं क्या क्या खींचने पर लगी हुई हैं, तो अभी भी आ रखी हैं ऊपर। मैंने भार डाला था ना उस समय, तो अभी भी यहीं घूम रहे हैं, और अब डरते बिल्कुल नहीं है यार। तो गए, तो चलते हैं, क्या बोलते हैं सासू जी मेरे को क्या काम बताते हैं, तो वो करूँगी मैं। बाकी देखो ये हमारे पूरे मंडवे के खेत हैं, पूरे मंडवा मंडवा ही मंडवा, क्या ही करें। तो पहाड़ों में तो यार काम तो करना ही पड़ेगा, पहाड़ों में काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं, और देखिए मैंने यहाँ पे चूल्हे पे आग जला दी है। तो यहाँ ना वीडियो इतनी साफ नहीं आती यार हमारी किचन, पता नहीं क्यों। तो बाहर का मौसम अभी भी बहुत ही ख़तरनाक हो रखा है। तो यहाँ पे आज मैंने रखे हैं आलू उबालने के लिए, तो आज है सासू जी का व्रत, तो इसलिए यहाँ पे आलू उबल रहे हैं। आलू के गुटके बनाएंगे हमारे खाना। देखो मैं डांस कर जी हां बाबू मुंगे खाचा चाका नहीं सुले चल भगवान जी जी ने प्रदान दिया मुझे चला चलो चलो बाबू ये हो भोलेनाथ भोलेनाथ जय भोले दे जय कर दे बाबू जय दोस्तों यहाँ पे ना मैंने आलू उबाल दिए हैं, और अब मैं इनको छिल लेती हूँ फटाफट और गुटके बनाऊंगी। आग भी जली रही है, अभी आटा मैंने गूंद दिया है पहले ही, और सासू जी बनाने वाले हैं जलाबती। और सासू तुम्हें मैं बना पीछू मतलब है जी दोबारा
दोस्तों अंदर देखो कितना अंधेरा लग रहा था और बाहर पे देखो कितना उजाला लग रहा है। तो अभी ना आज का टाइम कम ही हो रहा है, मतलब अभी 6:30 हो रहे हैं, तो आज हमारा खाना पीना बन चुका है अभी, मतलब सिर्फ रोटी बनानी बची हुई है मेरी, बाकी सब्जी बन चुकी है और सासू जी ने बनाए हैं लाबसी। तो मौसम देखो ख़तरनाक हो रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।